मूवी अपने आप में कंट्रोवर्शियल तो है। ये बंदूक वाले का तो काम है गोली चलाना, तो ये चलाएंगे। हम गाने बजाने वाले, हमारा काम है गीत गाना। तो देखो यार, आज ही नेटफ्लिक्स के ऊपर एक नई इंडियन बायोपिक फिल्म को रिलीज किया गया जो कि बहुत ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल भी होने वाली है। मैं बात कर रहा हूँ अमर सिंह चमकीला मूवी के बारे में, स्टारिंग दिलजीत, और आपको देखने को मिल जाती हैं परिणीति चोपड़ा। और इस मूवी को डायरेक्ट किया है इम्तियाज अली ने। अभी इस मूवी को मैंने कम्प्लीटली वॉच कर लिया है। ये मूवी मुझे कैसी लगी, क्या ये आपका टाइम डिजर्व करती है नहीं करती है, आपको सब कुछ जानने को मिलेगा। बट बिफोर दैट, हाई एवरी वन, वेलकम टू सिनेमा लाइक 33। तो आप लोगों का फिर से एक और नए रिव्यू एपिसोड में स्वागत है। विद दैट बीइंग सेड, चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं और देखो बात करते हैं, ये मूवी जो है फॉलो करती है लेट 80s के पंजाब के मोस्ट कंट्रोवर्शियल और ऑल टाइम रिकॉर्ड सेटर सिंगर यानी कि अमर सिंह चमकीला की पूरी लाइफ की जर्नी के ऊपर, राइट फ्रॉम हिज चाइल्डहुड, किस तरीके से जो उनका गानों का स्टाइल था, वो उनके बचपन के जो उन्होंने एक्सपीरियंस गेन करे उससे काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस आपको देखने को मिलता है, और कैसे उनके इन्हीं गानों के स्टाइल के चक्कर में लोगों ने उनको जो है अपना मानना शुरू किया, लोगों ने उनके गाने बहुत ज्यादा पसंद करे, और किस तरीके से ये सारे की सारी जो कंट्रोवर्सी है वो उनकी डेथ की तरफ, और आई वुड से मर्डर की तरफ जो है लीड करती है, जब उनकी 1988 के अंदर उनकी और उनकी पत्नी यानी कि अमर सिंह चमकीला और उनकी पत्नी अमरजोत कौर जो है उनको गोली मार के उनकी हत्या कर दी गई थी। पूरी की पूरी जो लाइफ की जर्नी है फ्रॉम द वेरी बिगनिंग टिल द वेरी एंड, ये आप लोगों के सामने रखी गई है। और अगर मेरे को आपके सामने इस मूवी का रिव्यू सिर्फ एक लाइन में करना हो तो मैं इतना ही बोलूंगा कि इनकी लाइफ कॉन्ट्रोवर्शियल थी, लेकिन जितने कमाल तरीके से यहाँ पर आप लोगों के सामने चीजों को रखा गया है, मुझे पर्सनली ये मूवी जो बहुत ज्यादा पसंद आई। एक एक करके जल्दी से बात करते हैं इस मूवी के पॉजिटिव पार्ट की। पहला पॉइंट होगा इसका, जिस तरीके से दोनों के दोनों मेन लीड की एक्टिंग है, चाहे आप बात करो दिलजीत की, चाहे आप बात करो परिणीति चोपड़ा की, दोनों के दोनों एक्टर्स ने अपने काम को जबरदस्त तरीके से प्ले किया है। और जिस तरीके से यहाँ पे कैरेक्टर की डेवलपमेंट भी हुई है, आप बोल सकते हो कि फ्रॉम द वेरी बिगनिंग टिल द वेरी एंड जो है आप उस कैरेक्टर के लिए जो इमोशंस हैं, जो उसके सेंटिमेंट्स हैं, उनको आप फील कर पाते हो। तो उनको जिस तरीके से आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया गया है, उसके लिए मेकर्स को अप्रिशिएट करना बनता है। साथ में बात करें जिस तरीके से इस मूवी के अंदर उस टाइम का एरा क्रिएट किया गया है, और जगह जगह में बीच में जिस तरीके से रियल फुटेज का यूज किया गया है, वो इस बात को शो करता है कि कितनी बेसिक डिटेल्स के ऊपर जाके इस मूवी को प्रोड्यूस किया गया है। तो प्रोडक्शन वाइज जो क्वालिटी आप लोगों के सामने निकल के आई है, मुझे पर्सनली वो पसंद आया। इसके बाद मैं यहाँ पे अप्रिशिएट करना चाहूंगा जिस तरीके से इस मूवी का आपको बीजीएम सुनने को मिल रहा है, क्योंकि मूवी जो है पूरी तरीके से म्यूजिकल थीम के ऊपर चल रही है। ऑब्वियस बात है, इट्स अबाउट अ सिंगर, तो डेफिनेटली वहाँ पे म्यूजिकल जो है बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन जिस तरीके से कमाल के गाने आपको सुनने को मिल रहे हैं, जिस तरीके से हर एक जो बीजीएम है वो आपको हिट करता है, तो म्यूजिक के लिए अप्रिशिएट करना बनता है। और अगर बात करें इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में, तो इसको डायरेक्ट किया है इम्तियाज अली ने। कितनी कमाल की मूवीज के लिए वो जाने जाते हैं, चाहे आप बात करो रॉकस्टार की, चाहे आप बात करो तमाशा की। ऑडियंस जो है मूवी आने के बाद उसकी वैल्यू समझती है, लेकिन मुझे लगता है बहुत टाइम से इनकी एक कमाल की मूवी नहीं आई थी, वो जो है ये काम ये मूवी करने वाली है। क्योंकि ये मूवी जो है बहुत सारे एस्पेक्ट्स के अंदर अच्छा काम करती है, सिर्फ पॉजिटिव पार्ट नहीं दिखाती आपको उनके करेक्टर का, नेगेटिव पॉजिटिव जो भी उनकी लाइफ की जर्नी के जितने भी कॉन्ट्रोवर्शियल एस्पेक्ट्स हैं वो सब कुछ आप लोगों के सामने रखा गया है। और अगर बात करनी हो देखो इस मूवी के नेगेटिव पार्ट की, इस मूवी के अंदर टेक्निकलिटी वाइज जो भी एस्पेक्ट है मुझे उसमें कोई नेगेटिव पार्ट नहीं लगा, लेकिन जिस तरीके से उनका कॉन्ट्रोवर्शियल गानों के लिरिक्स थे, जिस तरीके से उनकी लाइफ पूरी की पूरी कॉन्ट्रोवर्शियल रही है, वो अपने आप में एक बहुत ज़्यादा सवाल पैदा करता है। तो मैं उसको कहीं पर भी जस्टिफाई नहीं करना चाह रहा हूँ, हो सकता है बहुत लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट हो जाएं। लेकिन जहां तक बात रही कि मूवी कैसी बनी है और क्या आपको इसको देखना चाहिए, तो डेफिनेटली इस मूवी को आपको चेक करना चाहिए। एक अच्छी कमाल की बायोपिक मूवी आप लोगों के सामने निकल के आई है। तो मैं पर्सनली इस मूवी को रेट करूंगा 4/5 stars। तो ये थे मेरे थॉट्स, मेरा रिव्यू अबाउट द मूवी अमर सिंह चमकीला। अगर आप लोगों ने इसको चेक कर लिया, आपको ये मूवी कैसी लगी नीचे अपना कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी अगर आप लोगों ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है और आपको ये वीडियो पसंद आई, तो आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, छोटे छोटा सा लाइक कर दो, और ऐसी वीडियोस को देखते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मैं ऐसी वीडियोस को लाता रहता हूँ। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मैं आप लोगों से मिलूंगा एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, लव यू एंड टेक केयर, एंड कीप वॉचिंग सिनेमा लाइव 33।